नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह। एनडी न्यूज के टॉप 5 खबरों में आपका स्वागत है। अब अयोध्या में बनेगा गगनचुंबी मंदिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लातेहार के मनिका में चुनाव सभा को संबोधित किया, कहा कि हर कोई चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन कांग्रेस कैसी नहीं चलने देती थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला करके यह निर्णय किया है कि अब अयोध्या में आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जहां श्री राम का जन्म हुआ था वही मंदिर बनेगा। श्री शाह ने कहा कि यहां भाजपा की सरकार बनते ही पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमेटी बनाकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, माताएं बहने दीदी बताए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, देश का हर व्यक्ति चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने, मगर ये कांग्रेस पार्टी कैसी नहीं चलनी। अभी अभी देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला कर ये निर्णय कर दिया है सर्वानुमत से कि राम जन्मभूमि की जो जगह है वही जगह पर आसमान को छूने वाला भव्य मंदिर। पटना जंक्शन पर अब मेट्रो के दोनों स्टेशन होंगे अंडरग्राउंड। 422 करोड़ रुपए अंडरग्राउंड करने पर मेट्रो की लागत में वृद्धि हुई है। वहीं पटना के जू के गेट नंबर 1 के पास एक नया स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। विद्युत भवन के पास बनने वाले स्टेशन अब आयकर चौराहा के पास बनेगा। राजेंद्र नगर से गांधी मैदान आने वाले अलाइनमेंट को PMCH व पटना VV कैंपस से हटाकर अशोक राजपथ की तरफ किया जाएगा। वहीं न्यू ISBT के पास ही बनेंगे दो कॉरिडोर के डिपो, बीच में 100 मीटर में बनेगा कॉमर्शियल हब। नए प्रस्ताव में इतवारपुर कॉरिडोर को हटाकर न्यू ISBT के पास लाया गया है। ऐसे में दोनों कॉरिडोरों को डिपो ने न्यू ISBT के पास ही बनाने का प्रस्ताव है। अब दोनों कॉरिडोरों के डिपो में लगभग 100 मीटर की दूरी रहेगी। नए प्रस्ताव में दोनों डिपो के बीच कॉमर्शियल हब विकसित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों कॉरिडोर को एक साथ बनने से लगभग 526 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मी से कहा कि जनता की सुरक्षा को लेकर आपकी जो जिम्मेदारी है उसे हर हाल में निष्ठा के साथ निभाने की जरूरत है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि बदलते परिवेश में आप नई तकनीकी व यंत्र का सहारा लेते हुए आपराधिक घटनाओं का अनुसंधान और जांच पड़ताल करें, लेकिन इसके साथ ही जो पुराने तौर तरीके हैं उसे भी कायम रखें। आजकल लोग सोचते हैं कि समस्याओं का समाधान मोबाइल में है, लेकिन अनुसंधान के लिए मौलिक चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अश्वारोही सैन्य पुलिस की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि अश्वारोही सैन्य पुलिस को निरंतर कायम रखते हुए जरूरत के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि करें। वहीं पुलिस सुधार के अपने कामों को गिनाया। पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण, सभी थानों में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण अलग अलग, सभी थानों में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, पटना में पुलिस मुख्यालय के रूप में सरदार पटेल भवन का निर्माण, राजगीर पुलिस एकेडमी का निर्माण, पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से महंगे हो जाएंगे इंटरनेट और कॉल। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल दिसंबर से ट्रैफिक बढ़ाएगी। घाटे में चल रही इन दूरसंचार कंपनियों को इस कदम से रेवेन्यू व ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। जियो भी इस रेस में शामिल है। कोर्ट ने दूरसंचार विभाग की यह दलील सही मानी कि AGR की गणना में नॉन कोर गतिविधियों से हासिल आमदनी को भी शामिल किया जाना चाहिए। दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस फीस व स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को भुगतान EGR के तय प्रतिशत के आधार पर करना होता है। कोर्ट के आदेश से टेलीकॉम कंपनियों पर 1,33,00,00,000 की देनदारी बनी है। इसमें 80,000 करोड़ की देनदारी वोडाफोन आइडिया व एयरटेल पर बनी है। कंपनियां एक बार में 15-20% दाम नहीं बढ़ा सकती, इसलिए हर कंपनी अपने हिसाब से योजनाएं बनाएगी व देखेगी कि किस सेगमेंट से कितना राजस्व बढ़ना है। कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखती है। अभी भारत में यह हर महीने लगभग 150 रुपये से कुछ कम है। कंपनियां 100 रुपये वाली प्लान की जगह 120 रुपये का प्लान ला सकती है।
इधर बीपीएससी के पूर्व सदस्य रामकिशोर की याचिका खारिज। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर रामकिशोर सिंह को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश विकास जैन की एकल पीठ ने गुरुवार को उनकी आपराधिक याचिका पर सुनवाई की। डॉक्टर सिंह ने अपने खिलाफ निगरानी ब्यूरो द्वारा दायर किए गए मुकदमे को खारिज करने के लिए यह याचिका हाईकोर्ट में दायर किया था। श्री सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बीपीएससी के सदस्य के पद पर रहते हुए मुख्य परीक्षा पास कर चुके छात्र को इंटरव्यू में मदद कर डीएसपी बनाने के नाम पर 24 लाख रुपए की मांग की थी। सरकार कहेला फंसावेगी, सरकार तो कहती है, हम ही कहते हैं कि ना किसी को फंसाती है और ना किसी को बचाती है। भैया नहीं फंसाती है नहीं बचाती है तो हम कहने वाले कौन हो? क्यों हमको फंसा रहे हैं? कौन हम तेजस्वी जादू है कि हमको फंसा रहेंगे? हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम उम्मीदवार नहीं जी। हम लोग कभी मुख्यमंत्री फॉरवर्ड लोग होंगे? गजब वाली यार, झाले बजाने हैं, इनकर बजावा या उनकर बजावा। तो जो आप पर आरोप लगा उस पर, भैया आरोप बिल्कुल गलत है और क्या बतावे। आप पूछिए ना विजिलेंस से कि वो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो ना उसको लाभ होना था ना हानि होना था, तो केस किस बात का है? सीआरपीसी के धारा के अनुसार चार गो कंडीशन है, चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन जब फुलफिल नहीं है तो मुकदमा किस दबाव में किया है, किस परिस्थिति में किया है वो न जाने।